वेलकम बैक टू द चैनल आज मैं आपको एक गवर्नमेंट इंटर्नशिप के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि इंडिया की गवर्नमेंट ने सारे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ओपन की है यानी कि आप में से कोई भी अप्लाई कर सकता है इसमें आपको टू पर मंथ का का स्टाइपेंड मिलेगा मिलेगा गवर्नमेंट सर्टिफिकेट और भी कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैं एक्सप्लेन करूंगी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये इंटर्नशिप पूरा साल ओपन रहती है तो आप कभी भी ये वीडियो देख रहे हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो लेटेस्ट दिस इंटर्नशिप ये ऑफर की जाती है बाई द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स ज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसलिए इस इंटर्नशिप को कहा जाता है आई डब्ल्यू ए आई इंटर्नशिप सो आई होप आपको नेशनल वाटरवेज के बारे में पता होगा अगर आइडिया नहीं है तो थोड़ा बहुत सर्च करना उनकी डेवलपमेंट उनकी मेंटेनेंस उसके अलावा शिपिंग नेविगेशन ये सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स और काम हैं ये सब कुछ आई डब्ल्यू ए आई के अंडर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन के अंडर स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी देती है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज या फिर आई डब्ल्यू ए आई के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एक्सप्लोर कर पाए उनकी वर्किंग को समझ पाए और इनफैक्ट उनकी हेल्प कर पाए इन सम स्पेसिफिक एरियाज अब ये स्पेसिफिक एरियाज कौन से हैं इसकी मैं आपको एक लिस्ट शो कर देती हूँ इसमें आपको हर तरह का डिपार्टमेंट मिल जाएगा रेंज

है तो आप सिक्स मंथ्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो सो वन मंथ थ्री मंथ्स या सिक्स मंथ लोकेशंस के कॉन्टेक्स में ये इंटर्नशिप एक ऑफलाइन इंटर्नशिप है इनके हेड क्वार्टर नोएडा में है लेकिन इनके कुछ रीजनल या सब ऑफिस भी हैं जिनकी लिस्ट में आपके सामने शो कर रही हूँ सो so, इसमें कोलकाता कोची पटना गुवाहाटी गोवा ये सब इनके रीजनल ऑफिस है इनके मेन ऑफिस और रीजनल ऑफिस में कितने इंटर्न की ओपनिंग है वो भी इस टेबल के अंदर गिवन है सो तो आप इसको आराम से कर सकते हो अब हम बात करते हैं इस इंटर्नशिप के बेनिफिट की तो सबसे बड़ा वैल्यू या फिर प्रोपोजिशन इस इंटर्नशिप का यही है कि ये जो एक्सपोजर आपको देंगे मिनिस्ट्री के साथ वर्क करने का वो बहुत ही ज्यादा एडवांटेजियस रहेगा आपके फ्यूचर में कभी भी आप किसी भी गवर्नमेंट इंटर्नशिप को करते हो तो उस एक्सपीरियंस की जितनी वैल्यू है उतनी और किसी चीज की नहीं होती सेकेंडली आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑथराइज सर्टिफिकेट

स्टिल टू सपोर्ट यू दे ऑफर अटाइप ऑफ टेन थाउजेंड टू ट्वेंटी थाउजेंड पर मंथ टू दी इंटर्म टेन थाउजेंड है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए और ट्वेंटी थाउजेंड पर मंथ है पोस्ट ग्रैड या रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए तो अब हमने क्योंकि अंडर ग्रेड पोस्ट किया है तो मैं एलिजिबिलिटी एक्सप्लेन कर देती हूँ सो so, चाहे आप परस्यू कर रहे हो या आप ग्रेजुएट हो चुके हो आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप कॉलेज में हो अंडर ग्रेजुएट डिग्री में या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में हो या फिर कि आप रिसर्च एप्लीकेंट हो सो so, या तो आप इनको परस्यू कर रहे हो अंडर ग्रेड

अंडर लास्ट में आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा आपने इस फॉर्म को डाउनलोड करना है प्रिंट करवाना है एंड देन इस फॉर्म को फिलअप करना है इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं राइट साइड पे आप सबसे पहले अपनी फोटो लगाओगे उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे अगर तो आपके कॉलेज ने आपको स्पॉन्सर किया है इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप के लिए तो आप उनकी डिटेल्स फिलअप कर दो अदरवाइज आप नीचे आओ और अपनी बेसिक डिटेल्स के साथ स्टार्ट करो जैसे कि आपका नाम पेरेंट्स का नाम आपकी ई मेल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपका प्लेस ऑफ बर्थ उसके बाद आपका आधार नंबर आपके कॉन्टैक्ट उसके बाद आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सो यहाँ आप पोस्ट ग्रैड अंडर ग्रैड ट्वेल्थ या फिर के अपने टेंथ के मार्क्स ऐड करोगे कौन से ईयर में आप ग्रेजुएट हुए कितने परसेंटेज आपके मार्क्स थे उसके नीचे आओगे तो आप यहाँ पे प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन अगर आपके पास सी ए सी एस एस सी कोई भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है तो वो मैंशन करोगे देन उसके बाद आपकी स्पेशलाइजेशन यानी कि मान लो मैं बी कॉम ऑनर से थी तो मैं कॉमर्स यहाँ पे लिखूंगी कि वो मेरा सब्जेक्ट या वो मेरी स्पेशलाइजेशन थी उसके बाद आप लिखोगे प्रोजेक्ट सो so, अगर मान लो आपने कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट्स परस्यू किए हैं या इवन इंडिपेंडेंटली कोई प्रोजेक्ट किया है या इंटर्नशिप्स किए हैं तो आप उनको यहाँ पे मैं

हो या फिर के उनके रीजनल या सब ऑफिस हो उनमें से आप कहां परस्यू करना चाहोगे इसके बाद अपनी इंटर्नशिप की ड्यूरेशन मेंशन करोगे कि आप वन मंथ थ्री मंथ या सिक्स की इंटर्नशिप करना चाहते हो एंड उसके बाद सो so, यहां पे आप अपने प्रोफेसर एचओ या डेन का मेंशन करोगे उनका नाम उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन या फिर के उनकी ईमेल आईडी इसका रीजन ये होता है कि अगर वो आपका बैकग्राउंड चेक करना चाहते हैं तो वो इनको रीच आउट करके आपके बारे में पूछ सकते हैं उसके बाद क्वेश्चन है वाई वुड यू वॉन्ट टू डू दिस इंटर्नशिप ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि आप आई डब्ल्यू की इंटर्नशिप ही क्यों करना चाहोगे एंड देन आप उस पर्टिकुलर एरिया में ऑलरेडी क्यों इंटरेस्टेड हो या आप कैसे वैल्यू एड कर सकते हो फाइनली आपको एक डेक्लरेशन साइन

अप्लाई कर सकते हो उनके पास जब भी रिक्वायरमेंट होगी वो उन एप्लीकेशन में से स्टूडेंट्स को कॉल अप या शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंटर्नशिप अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी हो ना, मुझे जरूर कॉमेंट्स में बताना दैट यू लाइक दीज काइंड ऑफ इंटर्नशिप्स देन आई विल श्योरली मेक मोर वीडियो लाइक दिस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द नेक्स्ट टाइम